हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपको बताऊंगा सात डिफरेंट तरीके टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। तो पीसी ट्रिक्स एंड टिप्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में आज आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है, आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला शॉर्टकट है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ टास्क मैनेजर ओपन करने का, वो है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल अल्टर डिलीट। ठीक है, तो मैं करता हूँ, कंट्रोल अल्टर और डिलीट प्रेस किया मैंने, तो आप देख रहे हैं ये स्टार्ट विंडो आ गई है और यहाँ पे ये टास्क स्टार्ट टास्क मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो टास्क मैनेजर ओपन करने का ये पहला तरीका, कंट्रोल अल्टर डिलीट। और दूसरा मेथोड मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका टास्क मैनेजर ओपन करने का है, एक और आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड स्केप, कंट्रोल शिफ्ट स्केप तो वर्क नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम में, बट इट विल ऑल्सो अ राइट वे। ठीक है, चलिए हम तीसरा तरीका देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट स्केप। आप इसको ट्राई कीजिए, ये भी वर्क करता है बट एट दैट टाइम इन माई सिस्टम इट विल नॉट वर्क। मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्केप, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड स्केप, बट इट विल कांट वर्क। ठीक है, वैसे ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट स्केप। उसके बाद में दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं टास्क बार पे, ये नीचे टास्क बार आ रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट टास्क मैनेजर, तो यहाँ से भी आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्केप में एक बार, तीसरा तरीका मैंने आपको बताया राइट क्लिक ऑन टास्क बार, आप क्या करेंगे राइट क्लिक कर लेंगे टास्क बार में, राइट क्लिक द टास्क बार। ठीक है, टास्क बार पे आपको राइट क्लिक करना है और स्टार्ट टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला मेथड एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और स्केप मैंने प्रेस किया, हाँ ये ओपन हो रहा है, मेरा स्केप का की कुछ वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट स्केप कर रहा हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है कंट्रोल शिफ्ट स्केप, इससे डायरेक्ट आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा।
कंट्रोल अल्टा डिलीट दबाएंगे तो विंडो ओपन होगी, उसमें आप सेलेक्ट करोगे टास्क मैनेजर, फिर ओपन होगा, और राइट क्लिक करने से भी आपके पास ये मेन्यू आएगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इससे डायरेक्टली आपका टास्क मैनेजर की ही एप्लीकेशन ओपन होगी। तो ये तीन तरीके हो गए। फोर्थ मेथड में आपको बताता हूँ, आपको रन करना है टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर फ्रॉम रन बॉक्स, ठीक है। जो रन बॉक्स आता है उसमें जाके आप टास्क मैनेजर लिख के एंटर करेंगे तो भी आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, या तो आप स्टार्ट में जाके लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, आप स्टार्ट में जाके लिखिए या रन पे जाके लिखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं टास्क मैनेजर MGR, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, टास्क मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर मैंने लिखा तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर आपको दिख रहा है टास्क मैनेजर .exe, इस पर क्लिक किया तो ओपन हो गया, या तो आप रन पे चले जाएं, ठीक है। विंडो आर प्रेस करेंगे तो रन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने विंडो आर प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया टास्क मैनेजर MGR, एंटर किया तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो अब तक मैंने चार तरीके आपको बताए हैं टास्क मैनेजर के, और ये फिफ्थ मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा तरीका है, आप ब्राउज़ कीजिए, मतलब कि सर्च कीजिए, ब्राउज़ टू टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में आपको टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई सर्च करना है। तो आप क्या कीजिए, अपने सिस्टम में मतलब कोई भी फोल्डर वगैरह माय कंप्यूटर के अंदर आप चले जाएं और ऊपर सर्च में सर्च में जाके लिख दें टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर जाके ऊपर सर्च कर लें टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई, वैसे तो सी ड्राइव में ही रहेगा ये, तो आप देखेंगे सर्च रिजल्ट में आपके पास आएगा टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई आ गया, आप इसको इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसकी लोकेशन निकाल सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन पे जाके, ठीक है। तो ये फाइल लोकेशन इसकी ओपन हो गई, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई, टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई एप्लीकेशन आ जाएगी, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने तरीके देखे पांच तरीके, उसके बाद किसी भी एक तरीके से आप टास्क मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप क्या करें, अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है। एक तरीका मैं इससे पहले और बता देता हूँ, आप जो टास्क मैनेजर है उसकी एप्लीकेशन को पिन भी कर सकते हैं टास्क बार में, पिन टू टास्क बार, तो मैं टास्क बार में इसको पिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से ये आपने जो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए इसमें से आप किसी भी तरीके से उसको एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसको राइट क्लिक करके अगर आप क्या करेंगे, पिन टू टास्क बार करेंगे, पिन टू स्टार्ट मेन्यू और पिन टू टास्क बार उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ पर आ गया। अब मैंने काफ़ी ईजी वे बना दिया, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा टास्क बार ओपन हो जाएगा।
ठीक है। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बनाने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप शॉर्टकट पे चले जाएंगे। शॉर्टकट पे जाके आप यहाँ पे लिख दें सी कॉलन स्लेश, उसके बाद सिस्टम, सी कॉलन स्लेश विंडोज़, सॉरी सी कॉलन स्लेश विंडोज़ लास्ट में आ रहा है, उसके बाद विंडोज़ के बाद स्लेश, स्लेश के बाद सिस्टम, सिस्टम 32। ओके, मैं सिस्टम 32 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने स्लेश के बाद लिख दिया टास्क मैनेजर। एक मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ टास्क मैनेजर डॉट ई एक्स ई का अपने डेस्कटॉप पे, और इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया टास्क मैनेजर, फिनिश किया तो आप देखेंगे कि एक शॉर्टकट आ गया टास्क मैनेजर का। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपका ये टास्क मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सेवन्थ तरीका है क्रिएट अ शॉर्टकट, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो ये मैंने आपको सेवन डिफरेंट तरीके बताए टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। ठीक है, तो आप इन सात डिफरेंट तरीकों से जब किसी को ओपन करके दिखाएंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को कि मैं सात तरीके से ओपन कर सकता हूँ टास्क मैनेजर को। तो ये वो सात डिफरेंट वेज हैं। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। Enjoy that trick.